बता दें मध्य प्रदेश के ये अतिथि शिक्षक हैं जो पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं मध्य प्रदेश के मंडला में। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इनको 3 महीने में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 3 महीने में नियमित करने का वचन दिया था अपने वचन पत्र में। अब सरकार बने हुए 1 साल का समय हो चुका है, लेकिन शासन प्रशासन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई भी नियमितीकरण संबंधी आदेश अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया गया है। उल्टा इनका शोषण और ज़्यादा हो रहा है पिछली सरकार की अपेक्षा मौजूदा सरकार के द्वारा। इनको कभी ट्रांसफ़र के नाम पर या तो भर्ती के नाम पर हटाया जा रहा है मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों से। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि वचन पत्र में जब बिंदु दिया गया था 3 महीने में, तो फिर इन अतिथि शिक्षक को जिनका वेतन मजदूरी से भी कम है उनको अभी तक क्यों नियमित नहीं किया गया। बड़ा सवाल है जो कि पूछना चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि यह इन मजदूरों की अतिथि शिक्षकों की आवाज़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुँच जाए। हमको परमानेंट करो, अभी करो तत्काल करो। अतिथि शिक्षक एकता जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक एकता जिंदाबाद। साथियों, आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 13वां दिन और अनिश्चितकालीन नियमित भूख हड़ताल का 30वां दिन मंडला जिले के अतिथि शिक्षक साथियों लगातार दिन रात हड़ताल स्थल पर है। एक ही मांग, एक ही जिद और एक ही हर के साथ हमको दिया गया वचन सरकार का तत्काल पूरा होना चाहिए।